हेलो गाइस, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। तो आज हम जो है 11th वाला कार्ड ले रहे हैं, यानी कि 10th कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनकी नंबरिंग रोमन्स में होती है, तो ऊपर 10 लिखा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसका नाम है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप दिखाओ, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस्मत, फॉर्च्यून किस्मत की बात करना, कि ऐसे समय का चक्र घूम रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ डिनोटिंग कि समय का चक्र घूम रहा है। तो समथिंग मेजर शिफ्ट इज हैपनिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी किस्मत, आपका लक कुछ मेजर चेंजेस निकालने वाला है आपकी लाइफ में। चेंज ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल, गोइंग टू सम अदर प्लेस, चेंज मेजर चेंज दिखा रहा है। तो आपका जो भी लाइफ में जो हो रहा है वो बदलने वाला है। अब जैसे मान लो अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप प्रोफेशनल होने वाली हो। अगर घर आपका बदल सकता है, जॉब बदल सकता है। तो मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट इज शोइंग इन योर लाइफ। शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, अ टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं इसको। इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, है ना। या जैसे दिखाते हैं कि कोई लड़की ब्राइड बनने वाली है, क्योंकि उसका रेजिडेंस चेंज होने वाला है। तो यू नो, मैरिज भी, जैसे किसी का शादी से लेके कोई प्रश्न होता है, तो ये दिखा रहा है कि यू आर गोइंग टू अनदर प्लेस फिजिकली। एक फिजिकल जगह आप बदलने जा रहे हो, एक नई सिचुएशन में जाने वाले हो। चेंजिंग ऑफ जॉब आ सकता है, चेंजिंग ऑफ हाउस हो सकता है। अगर क्वेश्चन में आता है लाइक गेट प्रमोटेड, फॉर श्योर यस कार्ड है, तो यू विल यू नो 101%। घर मेरा बदल जाएगा, मेरे को नया घर मिल जाएगा, मेरे घर का रेनोवेशन हो जाएगा, या मैं कोई वेकेशन पे जा पाऊंगी। तो चेंज तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, है ना। रिवॉर्ड मिलेगा आपको, मतलब जिस चीज़ की आप वेट करने वाले थे, जिस चेंज की, द चेंज, तो वो आपका डेस्टिनी अब बदल रहा है। अब रिवर्स में जो होता है, तो रिवर्स में ये दिखाता है कि भाई यू आर नॉट रेडी फॉर द जर्नी, यू आर नॉट रेडी टू टेक ऑन न्यू जर्नी ऑफ लाइफ। तो गुड टाइम्स आर एंडिंग। अगर ये अपराइट होता है तो गुड टाइम्स आर कमिंग। हाँ, अगर उल्टा हो गया तो गुड टाइम्स आर एंडिंग, मतलब बैड टाइम्स आर हेड। तो उल्टा होने पे रिवर्स, जिसको हम कहते हैं, तो दिस इज़ द रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन में दिखा रहा है कि आपका जो है एक अच्छा समय जो था वो एक ख़त्म हो रहा है। तो कोई भी अभी आप एक्शन ना लो, स्टॉप, क्योंकि अच्छा समय नहीं है कोई भी एक्शन लेने का। तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखें, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो पास्ट में आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस हुए हैं। यू हैव अंडरगॉन मेजर चेंजेस विच वर ड्यू टू विच यू नो यू आर एंजॉयिंग अ गुड लाइफ टुडे। इट माइट हैव बीन लाइक आपको कोई अच्छा काम मिला है, या अच्छा घर, या अच्छा हस्बैंड, या कुछ भी आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ अच्छा हुआ है। समथिंग मेजर गुड हैज़ हैपेंड। फिर प्रेजेंट में आता है, तो प्रेजेंट पे ये दिखाता है कि यू आर अबाउट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ। सम मेजर शिफ्ट इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। यू आर अंडर गोइंग अ मेजर शिफ्ट। इमोशनल शिफ्ट भी हो सकता है। कई बार होता है कि आप किसी बंदे के साथ प्रेम में हो, तो वहाँ से भी आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। तो कई बार वो भी दिखाता है, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, यू नो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। सो वो चेंज दिखा रहा है। और अगर थर्ड पोजीशन यानी फ्यूचर पोजीशन में होता है, तो फ्यूचर पोजीशन में दिखाता है कि चेंज ऑफ रेजिडेंस, या शिफ्टिंग चल रहा है, या यू आर अबाउट टू गेट सम गुड न्यूज़। अगर हम इसकी कॉम्बिनेशन देखें फूल प्लस व्हील की, तो एक फूल तो दिखाते ही है कि आप जो हो, यू वांट टू टेक अ न्यू जॉब, तो डेफिनेटली चेंजेस आर गोइंग टू हैपन विद चाइल्ड, मतलब आपके अंदर का जो बच्चा है वो चेंजेस क्रिएट करने वाला है। अगर व्हील और हर्मिट का कॉम्बिनेशन आता है, तो हर्मिट होता है लोनलीनेस का, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है चेंजेस। तो आपकी जो लोनलीनेस है वो ख़त्म होने वाली है। तो इसका मतलब अगर कोई सिंगल है तो उसकी शादी डेफिनेटली होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर हर्मिट के साथ आ जाए, क्वेश्चन है कि शादी कब होएगी, तो हाँ ये बच्चा जो है, ये लड़का लड़की अकेले रहे, बहुत रह चुके, मज़े कर चुके, अब ये बंधन में बंधने वाले हैं। तो गुड टाइम्स आर गोइंग टू एंड बाय, यू नो। सो दिस इज़ हाउ यू विल इंटरप्रेट।
दिस कार्ड. और कई बार वी प्लस डेविल आ जाता है. वी प्लस डेविल है कि भाई जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी लाइफ को तहस, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू. तो एक वार्निंग कार्ड बन जाता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है नए चेंजेस से. मतलब एकदम से आप जो आप करने जा रहे हो अभी मत, घर बदल रहे हो तो अभी मत बदलो, फंस जाओगे अभी, है ना. या आप एकदम से ये जॉब छोड़ के दूसरे कंट्री में भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी कई बार होता है लोग सोचते हैं या जाके बाहर से थ्रो जाए तो अभी टाइम अच्छा नहीं है. तो मतलब डोंट डू इट राइट नाउ, वेट. डेविल थोड़ा डिस्ट्रक्टिव कार्ड होता है तो ये आपने नहीं करना है. तो दोस्तों इसी तरह से टैरो कार्ड रीडिंग आप मेरे साथ सीखते रहिए संगीता हिल टेम्पल्स पे. और अगर अच्छे से सीखना है तो पेड क्लासेस लेनी पड़ेंगी. 9 बहुत रीजनेबल चार्जेस के साथ हम सिखा रहे हैं. 9811142249 पे कॉल करिए.